दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाल ली थी कि आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कैसे कर सकते हैं 31 मार्च 2023 से पहले, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हमको डेट दी थी उसको लिंक करने की वो यही थी, और उसके बाद में अभी इसकी डेट फिर से बढ़ा दी गई है। इसकी डेट को अब कर दिया गया है 30 जून 2023। इस डेट से पहले आपको अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड जो भी है उसको आपको जाकर के अपने नियरेस्ट अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर से उसको लिंक करा लेना है। अगर आप उसको लिंक नहीं कराते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव कर दिया जाएगा। आप किसी भी बैंक वगैरह में जहां पर भी आपको अपने पैन कार्ड से काम होता है आप वो वाला काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या है अगली प्रोसेस जिससे आप इसको कर सकते हैं, और दोस्तों किन लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक बीबीएससी पे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। दोस्तों डेट को बढ़ा के कर दिया गया है 30 जून 2023। अब आपको इससे पहले अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अगर आप इंडिया में रहते हैं तो बहुत ज़रूरी है इसको लिंक कराना, और इसको आप लिंक करा लीजिए। अब आपको 1000 रुपया इसका फ़ाइन देना पड़ेगा अपने सीएससी सेंटर पे जाकर के, और वहाँ से आप इसको लिंक करा सकते हैं। और आप दूसरे किसी वीडियो के झांसे में मत आइए कि आप इसको फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आपको 1000 रुपया देना है। और जो दोस्तों गवर्नमेंट ने अगर एक बार अनाउंस कर दिया तो उस चीज़ को आप झुटकार नहीं सकते हो, उसको आपको करना ही पड़ेगा, आपको 1000 रुपया देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों किन लोगों के लिए ये चीज कंपलसरी नहीं है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना? पहला तो जो इंसान आता है वो है NRI, जो इंसान विदेश में रहकर के इंडिया में रहता है आकर के और यहाँ की भी नेशनलिटी लिए हुए है, तो उस इंसान के लिए ये चीज नहीं है कि वो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराए। और दोस्तों दूसरा इंसान जो 80 साल का है या उससे ऊपर का आता है तो उस इंसान को भी अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों तीसरा पर्सन आते हैं, वो पर्सन वहां से आते हैं जो हिमालय साइड में रह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, उन लोगों को आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर आधार कार्ड जो है वो हर किसी के लिए कंपलसरी है ही नहीं, इसलिए उनको कोई भी जरूरत नहीं है अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने की। अगर आप इससे बाहर आ रहे हैं तो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक जरूरी है कराना, और आपको करवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और जो भी वीडियो आपके काम की वो वीडियो आपको मिल सके।